हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है फिजिक्स चैप्टर वन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो ठीक है ना, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है पहला है, प्रकाश तरंग, प्रकाश कौन सा तरंग है, ठीक है ना। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर है अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग, ये दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश गमन करती है तो कैसे, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो उसका चाल निर्वात में होता है, ठीक। अगला जो है पॉइंट कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके आराम से इसको लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक ना, अभी समय है। अगला जो पॉइंट है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या चीज, आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। अगला जो पॉइंट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो देखिए या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या, अनंत होती है। अगला जो पॉइंट है देखिएगा, अवतल दर्पण के वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो ऐसी प्रक्रिया होगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो सीधा होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। और दर्पण सूत्र होता है, देखिए दर्पण सूत्र है यहाँ पर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, दर्पण सूत्र है। अगला जो पॉइंट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा विमुख के फोकस दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, किस दर्पण से दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, हमेशा सीधा होता है, तो या तो आपका होगा समतल या तो उत्तल होगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो हमेशा होती है क्या, ऋणात्मक माइनस के होती है। अगला जो है पॉइंट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो कम होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा, तो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है तो वो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो कम, चाहे आप छड़ी स्टिक को जल में अगर रखिएगा तो वो आपको तिरछा दिखाई देगा, ठीक है। इसका रीजन है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, तो मात्रकहीन होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। अगला पॉइंट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। लेंस के फोकस दूरी की संख्या कितनी है, तो 2 होता है।
किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो हीरा का है। हीरा का कितना होता है वह अपवर्तनांक, कमेंट में बताइएगा, आप लोग को पढ़ा दिया गया पहले ही। अगला जो है पॉइंट, किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है क्योंकि अपने से जाने वाले किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को कहा जाता है क्योंकि यह अपने से जाने वाले किरणों को अपसारित करता है। अगला जो है लेंस, कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता क्या है? तो वो डायोप्टर होता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? तो उत्तल का होता है धनात्मक फोकस दूरी। लेंस सूत्र क्या होता है? तो देखिए वही चीज है, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा हुआ है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में मात्र प्लस माइनस का अंतर है। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई प्रतिबिंब की दूरी ली जा सकती है, तो वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ली जा सकती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल की होती है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट है, गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के की वृत्ताकार सीमा की रेखा व्यास क्या कहलाती है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होगा? तो सीधा होगा। गोलीय दर्पण का फोकांस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है f बराबर r/2 होता है इसका संबंध। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।